लिए इस गली के इनकी समस्याओं का जो भी काम होगा उसमें पूरा भागीदार रहूंगा और जो समस्या होगी उन समस्याओं को सुलझा वोट राकेश भाई को देंगे और पूरा मोहल्ला हमारा इनको समर्थन कर। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वहीं 7 जून को नामांकन फार्म वापस लेने का अंतिम दिन है, जिसे लेकर उम्मीदवार जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हैं। कुछ ऐसे ही नजारे सोहना नगर परिषद चुनावों में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वार्ड नंबर 14 से नगर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राकेश अग्रवाल को कोली समाज के लोगों ने उम्मीदवार द्वारा किए जा रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें फूल मालाएं पहनाकर समाज की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया। हालांकि इससे पहले एक पार्षद पद के उम्मीदवार ने अपना समर्थन राकेश अग्रवाल को देकर अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए कह दिया है। हम कहना चाहते हैं जी, एक एक वोट राकेश भाई को देंगे और पूरा मोहल्ला हमारा इनको समर्थन करते हैं। मोहल्ला कोली वाड़ा पूर्ण रूप से समर्थन है बिल्कुल। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान कोली समाज द्वारा दिए गए समर्थन के बाद पार्षद पद के उम्मीदवार राकेश अग्रवाल ने कोलीवाड़ा मोहल्ले के निवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वार्डवासियों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देकर पार्षद बनाया तो मैं वार्ड की सभी समस्याओं का निवारण करके वार्ड का भरपूर विकास करूंगा। मैं इस कोलीवाड़े के जिंदगी भर एहसान मान रहूंगा। इन्होंने सर्वसम्मति से मेरे पक्ष में कहा है कि एक एक वोट आपको इस मोहल्ले की जाएगी, और मैं भी इस बात की आज भाइयों को तसल्ली और पूरा वो देकर जा रहा हूँ कि जो इन्होंने पूरा मुझे वोट दिया है इस गली के इनकी समस्याओं का जो भी काम होगा उसमें पूरा भागीदार रहूंगा और जो समस्या होगी उन समस्याओं को सुलझाऊंगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन यह फैसला तो 19 जून को ही होगा कि वोटर किस उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से सहयोगी बाबू सिंगला के साथ संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।